हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो गाइस। वेलकम बैक वंस अगेन टू धनी एक्सप्लोर्स। एज ऑलवेज, नया दिन, नया वीडियो। आज जो है, आज का जो वीडियो है, ये एक बहुत ही सिंपल वीडियो है। ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर वीडियो है, बिकॉज आप लोग बहुत टाइम से बहुत से क्वेश्चन पूछ रहे थे रिलेटेड टू पोलैंड, रिलेटेड टू वर्क परमिट, रिलेटेड टू कोविड रूल्स, रिलेटेड टू फ्लाइट, रिलेटेड टू मी, रिलेटेड टू माई हेल्थ। सो मेनी थिंग्स आर दियर। सो आज मैं उन सबका आपको जवाब देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, हमेशा की तरह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में जो है नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए, तभी जो है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा। नहीं तो कोई वीडियो मिस हो जाती है और आप सेम चीज पूछते हो जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता रखी होती है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन की घंटी भी दबाइए, और अब जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन आंसर की आपकी लिस्ट है, ये बहुत लंबी लिस्ट है, और मैंने आज काफी क्वेश्चन आप लोगों के नोट कर रखे हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो ऐसा करेंगे गाइस कि इस वीडियो को दो पार्ट में बनाएंगे, एक में आज जो है जब आप देख रहे हो इस वीडियो को, और एक इसके नेक्स्ट दूसरे दिन जो है दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन आंसर को, ताकि वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चन जो है कवर हो जाए। सो गाइस, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन है, जो 5 लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है, 10 लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं। तो पहले उन क्वेश्चन का जवाब मैं बिना नाम लिए आपको बता देता हूं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की, भाई आप अब कैसे हो, क्योंकि सबको पता है कि मेरी 2 सर्जरी हुई बैक टू बैक, एक अप्रैल में हुई थी, एक मई में हुई, और मैं भी बेड रेस्ट में हूं। तो भाई सीनियर है कि मैं अभी भी जो है बेड रेस्ट में हूँ, मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है, फिजियोथेरेपिस्ट घर पे आती है, मैं काफी वीडियोस में बता चुका हूँ, तो मुझे वहां पर जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले से थोड़ा बेटर हूँ, थोड़ा चल फिर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे कि वीडियो में दिखता है 10 मिनट के लिए कि वाओ धनी एक्सप्लोर्स इज एक्सप्लोरिंग हेयर देयर, सो अब ये ठीक हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा नहीं है। वीडियो में अच्छा दिखना पड़ता है और वो 10 मिनट की बात होती है, बिहाइंड द सीन किसी को पता नहीं होता है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है वर्क परमिट, जो कि हद से ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और उसमें पता नहीं कितने नाम है, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा। तो गाइज, वर्क परमिट की अगर आप बात कर रहे हो, तो आप लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि वर्क परमिट मिल रहे हैं या नहीं। सो मैं आपको बताता हूं कि वर्क परमिट तो कभी बंद हुए ही नहीं थे, और मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं, लेकिन आप लोग समझते नहीं, आप सोचते हो कि 1 महीने में कुछ चेंज हो गया है, नहीं हुआ है। वर्क परमिट अभी भी मिल रहे हैं, पहले भी मिल रहे थे, लॉकडाउन थे तब भी मिल रहे थे, गवर्नमेंट ऑफिस खुल रहे थे, लोग काम कर रहे थे, सिर्फ अंतर ये था कोविड के बाद क्या है, पहले वर्क परमिट मैक्सिमम 1 महीने या 2 महीने में आ जाता था, अब जो है वर्क परमिट आने में 3 से 4 महीने लगते हैं, सिर्फ ये फर्क है। और जब वर्क परमिट आता है, और जब वर्क परमिट आपको यहां से जो भी आपका एजेंट होता है, यहां से जो भी आपका स्पॉन्सर होता है, जब आपको वर्क परमिट भेजते हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं भी, तो वर्क परमिट जब आपके पास वहां जाएगा, तभी जो है आप अपॉइंटमेंट डेट ले सकते हो एम्बेसी में वीजा के लिए। सो वर्क परमिट की बात क्लियर हो गई। अब आते हैं आपका दूसरा पूछे जाने वाले सवाल पे, जो कि वीजा मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं पोलैंड के। सो गाइज, आप सबको पता है कि पोलैंड के वीजा नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं मींस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि पहले ये था, पहले फिर भी मिल रहे थे, लेकिन अभी अभी लास्ट कुछ महीनों से बहुत ज्यादा रिजेक्शन हो रहे हैं दिल्ली में। देखो, आप लोगों को सच्ची बात पसंद नहीं होती है, मैं भी यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूं, मैं औरों के चैनल्स भी देखता हूं, मैं और भी वीडियोस देखता हूं, मैं तो हूं ही फ्री आदमी आजकल, तो मैं तो वीडियोस ही देखता हूं यूट्यूब में अपने टाइम पास के लिए। तो बहुत से चैनल में पता क्या कह रहे हैं कि भाई आ जाओ पोलैंड, 80,000 तनखा, 1,00,000 तनखा, मीट फैक्ट्री, अलाना फैक्ट्री, फलाना फैक्ट्री। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आप कमेंट्स में भी पढ़ते होंगे कि कितने लोग लिख रहे हैं कमेंट्स में कि भाई वीजा रिजेक्ट हो गया, भाई वीजा रिजेक्ट हो गया, भाई दोबारा री अपील की थी फिर से रिजेक्ट हो गया। कितने लोग परेशान है, आप सबको पता है ये बात। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई वर्क परमिट भेज रहा है, तो आप जरूर वर्क परमिट लीजिए, जरूर वीजा के लिए अप्लाई कीजिए, बट अगर वीजा नहीं मिलता है आपको, आपका रिफ्यूज हो जाता है, तो दोबारा री अपील करने का फायदा नहीं। जब उन्होंने एक बार रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया, दोबारा रीअपील करने लोगों को लगता है शायद हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। अब आप बोलोगे यार रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, रिजेक्शन का कारण क्या है? सो गाइस, रिजेक्शन का कारण ये है कि यहां पर पता नहीं क्या सीन है, वर्कर यहां पर भी नहीं है, यहां हर बंदा स्टाफ ढूंढ रहा है, वर्कर ढूंढ रहा है। पोलैंड में बहुत जॉब्स हैं, लोग बोल रहे हैं कि यार
तेरे पास कोई बंदा है, कोई हेल्पर है, कोई ये है, कोई वो है, लेकिन इंडिया से वीजा नहीं मिल रहे हैं। अब ये क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं, ये तो भैया गवर्नमेंट जाने इनके आपस में क्या डील है। जहां तक हमें लगता है, हमें ये लगता है कि इनके पास ऑलरेडी जो है फॉरनर के जो केस होते हैं यहाँ पर, वो बहुत ज्यादा पेंडिंग है कोरोना के चक्कर में, इसलिए जो ये लोग नए केस हैंडल करने में असमर्थ है, इसलिए ये लोग नए वीजा नहीं दे रहे हैं। बिकॉज नए लोग आएंगे फिर उनकी नई फाइल स्टार्ट होगी यहाँ पर टीआरसी की, और इतना ये लोग नहीं कवर कर पा रहे यहाँ पर, ऑलरेडी इनके पास बहुत फाइलें पेंडिंग पड़ी। और रिजेक्शन का कारण सिर्फ यही नहीं कि आपकी कंपनी यहां से फेक है या आपका वर्क परमिट सही नहीं है, नहीं, मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। कुछ दोस्त हैं जिन्होंने, जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं एज ए शेफ, और उनके रेस्टोरेंट में वैकेंसी थी, उन्होंने अपने भाई के लिए, रिश्तेदार के लिए, दोस्त के लिए वर्क परमिट इंडिया भेजा, उन्होंने वहां से अप्लाई किया और उनका भी रिजेक्ट हो गया, और हम लोग शॉक्ड हो गए क्योंकि वो रेस्टोरेंट बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा वाला चलता हुआ रेस्टोरेंट है, लेकिन उनके वीजा भी रिजेक्ट हो गए। उन्होंने री अपील किया फिर रिजेक्ट हो गया। तो पहले हमें लगता था यार रिजेक्ट सिर्फ उनके होते हैं जिनके वर्क परमिट फेक होते हैं या कंपनी सही नहीं है, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, बट भाई जिस रेस्टोरेंट में ऑलरेडी 10 को काम कर रहे हैं, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, पहले भी लोग आते जाते रहे हैं, तो उनके वीजा भी रिजेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कि वो वीजा ही नहीं दे रहे हैं। सो गाइज, अगर आप वीजा रिजेक्शन की बात करें तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। यस, मिल भी रहे हैं अभी, मुझे पता है इस वीडियो के बाद कुछ लोग नीचे कमेंट में लिख देंगे नहीं मेरे को तो वीजा मिला, मैं तो अभी इंडिया से आया, मिल रहे हैं। ये तो कोई हाई प्रोफाइल जॉब के हैं जो आईटी वीटी में होते हैं, इनकी सैलरी उसी लेवल की होती है, फर्स्ट सेकंड उनको मिल रहे हैं जिनकी एम्बेसी में सेटिंग है। कोई एजेंट उजेंट जो होते हैं, इनकी सेटिंग होती है आपको पता है हर जगह, तो जिन एजेंटों की सेटिंग होती है वहां पर एम्बेसी में, और जो लोग वीजा वहां से दिला सकते हैं उनको ही मिल रहे हैं, अदरवाइज सबके वीजा जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। इस तीन क्वेश्चन का आंसर हो गया, अब मैं आपको चौथा क्वेश्चन बताता हूं। अभी तो मैं आपको सिर्फ वो क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं जो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 10 लोगों ने, 15 लोगों ने, 5 लोगों ने पूछा है। अभी मैं पर्सनली किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन ऐसे मतलब दर्जनों में आते हैं, सेम क्वेश्चन, वर्क परमिट, वीजा रिजेक्शन। और अभी एक क्वेश्चन और आप लोगों का बहुत फेमस है, वैक्सीन, कि पोलैंड में कौन सी वैक्सीन चल रही है, कौन सी वैक्सीन लगा के पोलैंड में आए। पोलैंड ने अभी यहां पर कोई भी ऐसा रूल नहीं निकाला कि अगर आपकी ये कोविशील्ड लगी होगी तो आप पोलैंड नहीं आ सकते हो, अभी तक ऐसा पोलैंड ने कोई रूल नहीं निकाला है। अगर आपने वैक्सीन लगा ली है तो आप आ सकते हो, और अगर आपने नहीं भी वैक्सीन लगाई है और आपके पास वीजा है तो आप आ सकते हो पोलैंड। आपके पास जो है कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी जरूरी, जो आरटीपीसीआर टेस्ट जो चल रहा है आजकल वो नेगेटिव होना जरूरी, 48 घंटे पहले या कुछ है वो, तो जब आप आओगे तो पता लग जाएगा, वो जरूरी होना चाहिए। और यहाँ पर आके आपको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर आपको वैक्सीन नहीं भी लगी है आप तब भी आ सकते हो। पांचवा क्वेश्चन जो कॉमन है आप सब लोगों का, वो है फ्लाइट की, फ्लाइट ओपन हो गई, फ्लाइट ओपन हो गई। भाई पहले भी पोलैंड से और इंडिया कोई फ्लाइट नहीं थी डायरेक्टली, शायद आप लोगों को पता होगा कि पोलैंड से और इंडिया कोई फ्लाइट नहीं थी। 2018-19 में एक फ्लाइट शुरू हुई थी जो कि वार्सो, जो पोलैंड का कैपिटल है, वहां से दिल्ली के लिए, लेकिन वो पिछले साल जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में जब कोरोना आया था मार्च में 2020 में, तब बंद हो गई थी और अभी तक वो फ्लाइट दोबारा चालू नहीं हुई थी। सो ये क्लियर हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आ नहीं सकते हो। अगर आपके पास वीजा है आप टिकट बुक करिए, जो भी फ्लाइट आ रही है आजकल, KLM आ रही है, एयर फ्रांस आ रही है, लुफ्तांसा आ रही है, कनेक्टिंग फ्लाइट्स आ रही है, तो उनमें आप आइए ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप आ सकते हो लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, लोग आ रहे हैं, जो लोग आना चाहते हैं जिनके पास कार्ड है, जो छुट्टी गए लोग, नॉर्मल छुट्टी भी गए हैं यहाँ से, वहां से लोग वापस भी आ रहे हैं, जिनके पास नया वीजा है वो भी आ रहे हैं, तो आप आ सकते हो। आप ये मत सोचो कि यार हम पोलैंड चले जाएंगे, कैसे जाएंगे, फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट है लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। सो गाइज, 5 क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन थे आप सब लोगों के, वो मैंने आपको बता दिए, उनके आंसर मैंने आपको दे दिए जितना मुझे पता था। मैं अगेन कह रहा हूँ, हो सकता है कि आपको कहीं से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप उस पर ट्रस्ट करते हो, तो प्लीज करिए, जो मुझे पता होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं कहीं इधर उधर से क्या कहते हैं उसको, झूठी न्यूज आपको नहीं बताना चाहता कि व्यूज ज्यादा आ जाए, शायद इसलिए व्यूज आते भी नहीं है, बिकॉज मैं सच कहता हूँ और आप लोगों को झूठ पसंद है, और जो लोग झूठ बोलते हैं उनके व्यूज अच्छे आते हैं। एनीवे, अभी बात करते हैं जो लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे इंस्टाग्राम में और जो आपने कमेंट्स में मुझे पूछे थे, उनका मैं आपको जवाब देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे को दिख रहा है वो है खासिफ मोहम्मद कह रहे हैं कि पोलैंड का लाइसेंस चेंज हो सकता है इटली में। भाई पोलैंड का लाइसेंस अगर आपके पास है तो इटली में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, हो सकता है, इजीली हो सकता है, बट आपको जरूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि पूरे यूरोप में आपका सेम लाइसेंस चल सकता है और यूरोप, इटली जो है यूरोप में ही आता है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये है जबीर पठान कह रहे हैं कि पोलैंड आने के लिए कौन सी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, कोविशील्ड या अप्रूवल मिली है, प्लीज आंसर में। भाई इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, वैक्सीनेशन की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं तो इसमें फायदा नहीं है टाइम खराब करके। तीसरा क्वेश्चन है सेरा एस कह रहे हैं भाई टीआरसी के बारे में बताना क्वेश्चन आंसर में। भाई टीआरसी के बारे में यार मैंने ना पूरी
एक सीरीज बना रखी है 3-4 वीडियो की, और ए टू जेड उसमें बता रखा है टीआरसी। लेकिन वो बहुत बात की बात है, पहले आपको वीजा मिल जाए, आप पोलैंड आ जाए, फिर आप टीआरसी अप्लाई करते हो। जब आपके पास वर्क परमिट इंडिया में पहुंच जाए या पाकिस्तान नेपाल जहां से भी आप हो, और आपको जब वीजा मिल जाता है, आप यहां पर आ जाते हो, कंपनी में काम करने लग जाते हो, आपको कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हो। और इसके बारे में कैसे करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने बहुत अच्छे से वीडियोस बनाई है उस पर, प्लीज जाके देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है PS बुलर 5911, ये कह रहे हैं कि इंडिया से फ्लाइट कब शुरू होगी। ये मैंने अभी फ्लाइट के बारे में बता दिया है कि फ्लाइट शुरू है, सिर्फ पोलैंड के लिए डायरेक्ट नहीं है लेकिन फ्लाइट शुरू है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार वीरेंद्र का। कुमार वीरेंद्र कह रहे हैं कि ब्रो, मेरे वर्क परमिट आया है पोलैंड का 1 जून को, मैं अभी सऊदी में हूँ, सऊदी से लगेगा वीजा या पोलैंड जाना, सॉरी इंडिया जाना पड़ेगा। भाई बात ऐसी है कुमार जी कि अगर आपके पास वर्क परमिट है, आप सऊदी में हो, तो उसका आंसर तो आपको वहीं पर मिलेगा सऊदी में, जो पोलैंड एम्बेसी है कि नहीं है। अगर है तो वहां पर जाके पता करे कि भाई मुझे पोलैंड के लिए वीजा अप्लाई करना है, मेरे पास वर्क परमिट है, वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर वो लोग यस करेंगे तो आप वहां से अप्लाई करो, नहीं तो आपको जो है इंडिया ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजीत यादव का। रंजीत यादव कह रहे हैं कि अप्लाई किया था, कैंसल हुआ, फिर रीअपील किया, रिजेक्ट हो गया, फिर से करो क्या, हो जाएगा अप्रूवल? मेरे हिसाब से तो मत करवाए रंजीत यादव जी, मत करो, बिकॉज आपने ऑलरेडी 2 बार कर दिए, और मुझे पता है वहां पर पैसा भी लगता है बार बार, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, बिकॉज बार बार पैसा वेस्ट करके फायदा नहीं है। अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है बार बार, तो नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों के हो रहे हैं, बहुत लोगों के हो रहे हैं, आपका नहीं, मेरे हिसाब से तो 80% लोगों के वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं अभी पोलैंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अब्रार, अब्रार फ्रॉम पाकिस्तान। भाई मैं भी पोलैंड आ गया हूँ आपकी वीडियोस की वजह से, मुझे काफी हेल्प मिली है, इसके लिए थैंक यू सो मच मोहम्मद अब्रार भाई, थैंक यू सो मच। देखो ये भी बात है, अभी ये मोहम्मद अब्रार पाकिस्तान से आए हैं, मुझे किसी का क्वेश्चन भी आया था पाकिस्तान से कि यार पाकिस्तान में तो वीजा मिल ही नहीं रही है, लेकिन ये बंदा भी आया है, और ये रिसेंट कमेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, 5 दिन पहले का कमेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी किसी को वीजा मिल रहे हैं, उसका ये तो कंपनी उनकी उस लेवल की है, जैसे बढ़िया जो व्हाइट कॉलर जॉब जिन्हें कहते हैं, जो आईटी वीटी में आते हैं, बड़ी पोजिशन में आते हैं, जिनकी तनख्वाही जो ठीक ठाक होती है, ये तो उनको मिलते हैं, या फिर एम्बेसी में किसी की सेटिंग है उनको मिल रहे हैं, साफ और सीधी बात है, बाकी वीजा नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद आकिफ जाफर का। ये कह रहे हैं कि भाई दुबई से पोलैंड का कितना टाइम लगता है पेपर आने में, मैं समझा नहीं। अच्छा पोलैंड से दुबई, भाई टाइम तो कुछ नहीं लगता, जो टाइम इंडिया जाने में लगता है वही दुबई, मैं भी दुबई से आया था तो टाइम तो सेम ही लगता है। यहाँ वर्क परमिट निकला, आपको भेजा, 1 हफ्ते में आपको मिल गया, टाइम तो इतना नहीं लगता है। सो गाइस, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि ये जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो है ये बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस के जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है, तो इसलिए जो है मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और इसी को कंटिन्यू करेंगे कल। कल इसका दूसरा पार्ट आएगा, कल ठीक इंडिया टाइम 12 बजे पे इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा। जो जो क्वेश्चन आप करेंगे, यार उसका जवाब तो दिया नहीं, उसका जवाब तो दिया नहीं, वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वो कल मिलेगा ठीक 12 बजे इंडिया टाइम। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, एंड कल वाला पार्ट देखना मत भूलना, कल सेकंड पार्ट इसका आ रहा है। बाय बाय गाइस, नमस्कार।